मेरे भाई, आपके हलके में तालाब कट्टे में कैसे मुसलमान है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं तकरीर करना शुरू किया हूँ जितनी मोहब्बत मुझको इस तालाब कट्टे से मिली शायद कोई दूसरे हलके से नहीं मिली। ये तालाब कट्टा मोहब्बत का इलाका है और यहाँ पे लाके वो नामपल्ली के कोई मॉडल को लेकर के यहाँ पे दौरे करा रही, वो बेचारा छोटे बच्चे मेरे जैसे हेलमेट खेल लेके गलियों में फिरा, कैंडिडेट नहीं है साथ में कैंडिडेट नहीं है, दौरे पे दौरे और समझ में नहीं आ रहा भाई। जब इंतखाबात से पहले जब मल्लिक बचाओ तहरीक के उम्मीदवार का ऐलान होगा, फिर चबूतरे पे इधर आके असद अवैसी, उधर आके अकबरुद्दीन अवैसी, फिर वही फरद साहब बोले थे तकरीर में अम्मा दो बकेट पानी ला के जो घर में पानी आ रहा नहीं आ रहा वो सच आते पूरे। हाँ खैर बहरहाल वक्त की तंगी है, इंशाल्लाह और भी जलसे होंगे और आने वाले जलसों में याद रखो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर कोई काम कर रहा है तो अपना काम करो। अगर किसी मजलिस बचाओ तहरीक के वर्कर को सताएंगे धमकाएंगे तो याद रखो तुम्हारी तार 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 अलग कर दूंगा, याद रखो उनसे कोई। ये और दूसरी चीज मजलिस बचाओ तहरीक कोई डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है और ये गाजी मिलत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की जमात है। असेंबली में चीफ मिनिस्टर को उठा के चप्पल लेके मारे तो फिर तुम्हारी क्या औकात है बताओ। हाँ सर, इसी के साथ मैं आप लोगों से आखिरी बार ये अपील करता हूँ कि आने वाले हालात में मजलिस बचाओ तहरीक का कोई भी उम्मीदवार इस हलके से नॉमिनेशन डालेगा तो आप उस उम्मीदवार की सूरत को मत देखें, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी की सूरत आपको तसव्वुर में लाना है तो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की चेहरे को तसव्वुर में लाकर मजलिस बचाओ तहरीक को कामयाब करना है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से अमानुल्लाह खान साहब का साथ दिया उसी तरीके से मजीदुल्लाह खान फरद का भी साथ दीजिए। मजीदुल्लाह खान भी अमानुल्लाह खान की तरह काम करेंगे, गरीबों पे जुल्म होने हम नहीं देंगे, हम गरीबों की रहनुमाई करेंगे। चाहे कोई भी हो, या लाइट वालों का जुल्म हो या पुलिस वालों का जुल्म हो, हम डट के मुकाबला करेंगे। किसी और डरने घबराने वालों में से नहीं है हम। मजलिस बचाओ तहरीक हमेशा सर उठा के जिए और सर उठा के ही जिएंगे। मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस बार आप लोग मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दीजिए, मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दीजिए। अब कई बार मैं आप तमाम हजरात इधर खामोश हो जाइए भाई साहब, गुलपोशी की जा रही है। हाजी भाई ने अभी फरद खान साहब की गुलपोशी की है और महले के नौजवानों ने गुलपोशी कर रहे हैं फरदुल्लाह खान साहब की। भाई,
करता हूँ और मेरे सुनने वाली और माँ और बहना और मेरे बुजुर्ग लोगों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाषा बात सुनने वाली माँ और बहनों, मेरे भाई, इलेक्शन का वक्त आ गया है। 2 महीने पहले अब मुहर्रम का ख्याल नहीं करे, फूला पहन लेते हुए फिरे। मुहर्रम का तो ख्याल करना, कितना बड़ा मुहर्रम का दिन, कैसा दिन। मुहर्रम के दिनों में भी बाजे बजा लेते, डीजे लगा लेते हुए, पुलिस वाले भी डीजे की इजाज़त दे दे रहे। दूसरे डीजे लगाए तो डीजे नहीं लगाना, इन लोगों के पीछे डीजे डीजे बोल के पुलिस वाले भी डीजे लगाने दे दे रहे। हम कुछ लगाए तो इतने कहीं को लगाए, उतने कहीं को लगाए बोलते। अमाला खान साहब जैसा काम करे उससे ज़्यादा काम ये फरद खां काम करेंगे। हमारी औकात की जायदाद के वास्ते ये दोनों भाई आवाज नहीं उठाए अभी तक। 40 साल से जीत रहे ला। अमाला खान साहब MBT बनाए, उसके बाद MBT क्यों बनाए अमाला खान साहब? बाबरी मस्जिद के वास्ते MBT बनाए अमाला खान साहब। बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद टूटते ही बाबरी मस्जिद टाइकून ले लिए, बोले नहीं बने अमाला खान साहब बन बनाए। मैं मुख्तसर बोल रहा हूँ, यहाँ की आवाम समझ जाती है, पढ़ी लिखी हो गई, अब पहले के जैसा पढ़े लिखे हो गए हैं, समझ जाते। बन बनाए अमाला खान साहब, ऐसा बन रहा पान नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, ऐसा बन था बिल्कुल। अल्लाह ताला हमारे साथ था, सरकार हमारे साथ थे, बन कामयाब हुआ हमारे साथ। और यहाँ के तालाब कट्टे में ये रोड थी, यहाँ से वहाँ तक अमाला खान साहब ये खम्भे को अल्लाह ताला आवाज दिया तो अल्लाह ताला के खम्भा भी बोलता। ये अमाला खान साहब पूरा तालाब कट्टा बसा है, ये नाले बना है यहाँ पर पूरे, ये जो मैं नाले पे ठहरा हुआ हूँ यहाँ से पटरियों से, ये नाला अमाला खान साहब बनाए सो है, वो सामने का नाला अमाला खान साहब बनाए सो है। अब नाले के अंदर 8 फीट मट्टी है, जर्रा पानी पड़ा तो यहाँ के रोजे टूट जाते, मेरी माँ और बहनों के रोजे नहीं रहते, रोजों का ख्याल नहीं रहता रमजान में। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ आप लोग बोलिए। रोजे टूट जाते हैं फर्ज, रोजे टूट जाते हैं फर्ज, रोजों का ख्याल नहीं है लोगों को। नाले साफ नहीं कराते, नाले वैसी, रोडा वैसी, रोडों पे पूरे गड़े वैसी है। लाइट वालों के ई साहब को डी साहब को बोल दे रहा हूँ, आप हुशार हो जाओ डी साहब, और नल वाले भी, नल के डी साहब भी। हाँ, अमाला खान साहब 22 इंच की लाइन लाए, कहाँ से? तुम्हारे बाल तारो तल से लेके चाचा जारी तक, उत्ते में इलेक्शन आ गया, नहीं तो वही 22 इंच की लाइन पूरे पटरियों तक लेके जा रहे थे। अमर भाई गवाह है इसके, पूरे बस्ती वाले गवाह है। तुम अकबरुद्दीन अवैसी, तुम जीत के आए, 22 इंच की लाइन डाले यहाँ पर, यहाँ MLA थे, 22 इंच की नहीं डाले, लाके 6 इंच की, 4 इंच की, 3 इंच की नैन डाल दिया। लैली पप्पा पी लो बच्चे, तुम लोग बोलते लैली पप्पा पी लो बोलते 22 इंच की लाइन डाले, वही 22 इंच की लाइन से सबको खींच के दिए। अरे यहाँ बेवाह औरता है, वक्त नहीं है, मैं कम बोल रहा हूँ, वक्त रहा तो सुबह, अबे मैं माइक पे ठहरा तो रात के 1 बज जाना। यहाँ भानी नगर में बेवाए औरता लेते वजीफा, धूप में ठहरते बिचारिया, उनको कुर्सी नहीं डालते। तुम्हारी माँ रोड पे बैठी तो कैसा दिखता वो? किसी मेरी माँ है, किसी की भाई नहीं बेवा, उसको वजीफा नहीं देते, 4-4 दिन फिराते, उसका वजीफा खा जाता। यहाँ पर ये मोहम्मद बोल के है, उसका वजीफा खा जाता, बेवाया औरतों का वजीफा खा जाता, अंगोटा लगा के खा जाता। ये मोदी के ला के रोड इधर की उधर दलाते, अब हुशियार खाए जी नद्रो। पर्दे में सुनने वाली मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौसम इलेक्शन का फैसला करना होगा कि गुज़िश्ता 10 साल आपके दरमियान में, आपके महल्ले में और आपकी बस्ती में कैसे काम हुआ,
और कैसे काम कराए गए। मैंने आज सोशल मीडिया है और मैंने देखा गुज़िश्ता बारिश में कि तालाब कट्टा पानी से बह रहा है, तालाब कट्टे के घरों में पानी भर गया है, तालाब कट्टे के बल्कि कई तारा गिरकर एक मासूम बच्चे का भी इंतकाल हो गया है, लेकिन क़यादत क्या है, अपने महलों में सो रही है। लेकिन यही एक क़यादत थी गुज़िश्ता 20 साल पहले जहाँ राज्य मिल्लत ना मोहम्मद अमानुल्लाह खान के नाम से मशहूर थी, और वही कायद थे जो ये बस्ती में अपने खून और पसीने की और अपनी जद्दोजहद की मेहनत से अपने इस हलके को बनाया। जब मालूम होना चाहिए कांग्रेस का एमपी होता था और जो मेजॉरिटी मुसलमानों की पुराने शहर में नहीं थी, ये बस्ती नहीं बनी थी, यहाँ पर तालाब होता था और उसी तारीख में हम तारीख पढ़े और काजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान की जबान से भी हम सुने कि ये बस्ती में जब काजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान 1978 में कामयाब हुए तो 1978 में काजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने जब कामयाबी हासिल की तो यहाँ पर सिर्फ 20% मुसलमान होते थे, 20% मुसलमान होते थे। और यहाँ पर जब गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने मुसलमानों को दावत दी, आओ इस जमीन पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गूंज होना चाहिए, यहाँ पर बस्ती में बल्कि एक वो जमाने में सस्ते सस्ते जमीन यहाँ पर लेकर गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने जब मुसलमान लिए और सस्ते सस्ते जमीनों को इस झोपड़ी डालकर अपने उसमें रखे तो गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने अपनी अपने इख्तदार को रखते हुए ये खम्भों को कायम किया, यहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कायम किया, यहाँ पर से करंट को कायम किया, यहाँ कमोरी का इंतजाम कायम किया। 20 साल ये मुसलमान बुजुर्ग जानते हैं कि गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने अपनी मेहनत की जद्दोजहद और अपने खून पसीना अपनी नींद नहीं होते हुए इस बस्ती को संवारा है, बल्कि ये तालाब कट्टा नहीं बल्कि ये बारकस से लेकर यहाँ तक मिल्लत की मोहम्मद अमानुल्लाह खान की मेहनत थी। जब पहले कांग्रेस को हराया गया तो बल्कि किसकी बदौलत से हराया गया, जहां पर पहले एमपी को जिताया गया तो वो अमानुल्लाह खान की ताकत थी, वो अमानुल्लाह खान की मेहनत थी जो मुसलमानों का खिला बनाए, यहां से लेकर वाल्टा से लेकर बाकस के उस खिले तक वो जमाने में क्या था, बताओ मुसलमानों वो जमाने में क्या था। इस ऐसी साजिशें रचाई गई 1999 में गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान को हराया गया। आपको मालूम होना चाहिए गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने जब यहाँ से 1999 में शिकायत हुई, उसके बाद क्या हुआ, कई मुसलमानों को ISI के नाम से रैन बाजार में एक रमजान में एक मुसलमानों को उठाया गया, मुसलमान को ISI के नाम पर उसका इंकाउंटर किया गया, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। ऐसे कई मुसलमान बेबस हैं जो आज भी मुसलमान राज अपनी ISI के एक एजेंट के बेकसूर मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर मुसलमानों को कोर्ट के चक्रा और जेलों की सलाखें बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन एक क़यादत है जो मुसलमानों के इसी वोटों से अपने आप के नाम को रोशन कर रही है, लेकिन एक क़यादत वो है जो गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान की जो मजलूम मुसलमानों का ताल बनकर उसकी हिफाजत शफ़तुल्लाह खान एडवोकेट की तरफ से कई मुसलमानों को ISI के नाम से रिहा कर देता। आपको मालूम होना चाहिए काफी वक्त की तंगी है, सदर मोहतरम खान को तकरीर करना है, तो मैं आज एक ही बात करते चलूं, गुज़िश्ता इलेक्शन में जो साजिशें रचाई गई अब वो साजिशें रचाई नहीं जाएगी, इसलिए कि मंदिर बचाओ तहरीक आपके दरमियान में होगी और सोचो समझ से होगी, जो भी यहाँ पर से उम्मीदवार होगा मेरे मोहतरम मुकाम सदर साहब फरतुल्लाह खान यहाँ से ही लड़ेंगे, मैं को यकीन और अल्लाह की जात पे भरोसा है कामयाबी हासिल जरूर करेगी। तहरीक मायूस नहीं है ना रहेगी, क्योंकि तहरीक जब ही कामयाब होगी जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी तो हमारी मंजिल यही है, मुसलमानों की आवाज को असेंबली में उठाएंगे, मुसलमानों की आवाज को बढ़कर मुस्लिमों की आवाज बढ़कर मुसलमानों को ताकतवर बनाएंगे। अब मुसलमान किस हालात में है आपको अच्छी तरह सोच दूंगा, यही मैं अपील करते अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। अगर वो
मैं आपसे यही इल्तिमास करूंगा कि मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। यार जिंदा सोबत बाकी खुदा से। ولله ملك السماوات والارض ان شانئك على كل شيء قدير اللہ رب العالمین یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ساری کائنات کا مالک و وارث اللہ رب العالمین ہے اور سارے جلوے اللہ رب العالمین کی قدرت کے ہیں اور اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال آج کا یہ جلسہ ایک بامقصد جلسہ ہے اور یہ جلسہ آنے والے مستقبل کو طے کرے گا جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ انتخابات ہندوستان کی جمہوریت میں ہوتے رہے بابا کیا ہے بابا یہ بہرحال ڈسپلن کا مظاہرہ کیجیے بہرحال ہندوستان میں گزشتہ 60 سال سے انتخابات 70 سال سے انتخابات ہوتے آئے اور جب کبھی انتخابات آتے ہیں ہر سیاسی جماعت ایک منشور کے ساتھ آتی ہے اس ملک میں چاہے وہ قومی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو اور ہر جماعت کا ایک ایجنڈا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ آنے والے حالات میں اس ملک میں حکومت کیسے چلے گی حکمرانی کیسے چلے گی اور اس ملک کی صلاح و فلاح کے لیے اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ان کی ترقی کے لیے کیا کام کیا جائے گا لیکن آپ غور کیجئے کہ گزشتہ 60 سال سے اس ملک میں کسی جماعت نے اپنے ایجنڈے میں اعلان کردہ یا مینیفیسٹو میں اعلان کردہ ہندوستان کی اقلیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا آج سیکولرزم کے دہائی دی جاتی ہے کہ یہ ملک سیکولر ہے یہ ملک سوشلسٹ ہے اس ملک میں سماجی انصاف ہوگا لیکن آپ غور کیجئے کہ سارے ملک میں اگر کسی کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوئی تو اس قوم کے ساتھ ہوئی جس کے 18,000 علماء اس ملک کی آزادی کے لیے جامع شہادت پیے جس ملک میں سب سے بڑی زیادہ ناانصافی اس کے ساتھ ہوئی جس کے اسلاف نے اپنی جان دے کے اس ملک میں انخلاف زندہ باد کا نعرہ دیا جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی جس کے اسلاف نے اس ملک کو قید اور قید کی زنجیروں اور بیڑیوں سے نکال کے آزادی دلایا تھا ارے ہم ان کی اولاد ہیں جس نے اس ملک کو آزادی دلائی اس ملک کو تا
तमीज और तमद्दुन बख्शा, इस मुल्क में जीने और रहने का सलीका बख्शा। आज उस कौम के वाबस्ता लोगों से कहा जाता है कि ये वतन दुश्मन है। आज सारे हिंदुस्तान का आप जायजा लीजिए कि राम मंदिर के नाम पे गुज़श्ता 25 साल से एक इस्तराब बर्पा किया गया और इस मुल्क का हर मुसलमान ये ऐलान करता आया कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। और हमारा मौकफ आज भी हिंदुस्तान में ये है कि हम हर उस कानून के पाबंद हैं जो कानून कानून के दायरे में रहकर इंसाफ करेगा। कानून के नाम पर तोड़ मरोड़ कर इंसाफ को पेश किया जाएगा और यह बावर किया जाएगा कि यह इंसाफ है, तो इसका नतीजा ये होगा इस मुल्क की गटरों में खून बहता हुआ नजर आएगा, तो इसका जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी रहेगी। विजयदशमी दशहरे का दिन था, दो दिन पहले आपने अखबारात में देखा, टीवी चैनलों पे देखा, इंटरनेट पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द आतंकवादी मोहन भागवत आके ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लाया जाए और ऑर्डिनेंस के जरिए राम मंदिर की तामीर की जाए। आप गौर कीजिए कि एक तरफ हमारी खियादत के नाम पे, इलेक्शन कैंपेन के नाम पे फूल पहने जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं और ये बावर किया जा रहा है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, हम कामयाबी चाहते हैं, हम इख्तदार चाहते हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान के माहौल एक अलग है। सारे हिंदुस्तान में जुल्म की कथा पड़ी हुई है, सारे हिंदुस्तान में जुल्म और बर्बरियत चल रहा। कहीं पहलू खान के नाम पे आज राजस्थान में मार दिया जाता, तो कहीं दिल्ली की यूनिवर्सिटी में नजीब को मार के आज 2 साल हुआ उसका पता नहीं लगाता, और फिर हमारा एमएलए और हमारा एमपी मरकज सियासी बाकी रहता। हिंदुस्तान में आप गली गली चप्पे चप्पे में आप देखते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर कत्लेआम मचाया जाता और मासूम बेगुनाह मुसलमान अखलाक के घर में घुस के दिल्ली पाए तख्त में मारा जाता, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहता। लेकिन इलेक्शन का ऐलान होते ही बाजे बजते हैं, फूल के हार पिनाओ, और यह हद हो गई कि किराए की फौज और गरीब महलों में आके बच्चों को 10-5 हजार रुपए देकर अपना काम निकालने की साजिश है, यह एजेंडा है। तो ऐसे हालात में इस बस्तियों से सोचना होगा कि कल अगर पहलू खान का खतल हो रहा तो मेरे भाई का खतल है। मैं इसलिए वोट दे दूंगा कि जो पहलू खान और नजीब के खातिरों अखलाक के खातिरों से लड़ सकता है तो उस ताकत को मैं वोट दूंगा, मेरा वोट उसके लिए है। आज आपको गौर करना होगा कि आज ऐसे हालात में आपका वोट किसके वोट है क्या। पहली बात, वोट तो शहादत है, वोट के माने शरई माने। आप किसी मुफ्ती से पूछिए, किसी उलमा से पूछिए, कभी किसी मुजद्दिद से पूछिए, कभी आलिम से पूछिए, और वो यही बताएगा कि राय किसी के हक में देना वो शहादत है, और आपकी शहादत हक और सदाकत की शहादत है। हम इस मुल्क में मुसलमान की हैसियत से हक और सदाकत की शहादत देंगे कि इस मुल्क में हक कायम रहेगा या संघ परिवार की दहशतगर्दी कायम रहेगी। आज आपको गौर करना होगा कि सारे मुल्क के जो हालात हैं क्या वो हालात आपके हालात नहीं है। ये नहीं कि बाजे बजाओ, ढोल बजाओ, ढवों की तरह फूल पहन के गलियों में फिरो और फिर डीजे बजाओ, डीजे चल रहा, लेकिन हिंदुस्तान जी बर्थडे केक भी काट रहे गए। ठीक है, बर्थडे केक कम से कम अब 77 साल की उम्र का काटे होंगे, काटे तो भी बेचारे जईफ आदमी एक तमाशा बना के लेके फिर रहे 77 साल की उम्र में। डबिलपुरे के कारपोरेटर थे, काम नहीं कर सके, 15 साल एमएलए रह के काम नहीं करे, अब याकूतपुरे में काम करते। वाह, ये कौन सा लाजिक है भाई, कौन सा लाजिक है ये। आज आप गौर कीजिए सारे मुल्क के हालात, तलाक सलासा का मसला आया और आपने देखा कि शरीयत में मदाखलत हुई तो हिंदुस्तान के शर्ब गर्भ में कोई ऐसी ताकत इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पर नहीं निकली। इसकी वजह आपकी कमजोर खियादत, इसकी वजह आपकी मफाद परस्त खियादत। अरे खियादत अगर खुलफाए राशिदा के नक्शे कदम पे होती तो खुदा की कसम हिंदुस्तान में कोई ताकत, कोई हुक्मरान, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पार्लियामेंट शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत नहीं कर सकता। अगर शरीयत मोहम्मदी का तहफ्फुज़ जाते हो तो एक ताकत वर मुसलमान खैरत को तुम चुनो हिंदुस्तान में और फिर देखो कि हिंदुस्तान में शरीयत मोहम्मदी का कैसी है।
اولنگ بانگ باتیں، گزشتہ الیکشن ہوا اور اسی حلقے سے میں امیدوار تھا اور کیا کچھ تماشا نہیں ہوا اور اس تماشے سے حاصل کیا ہوا، اس تماشے سے حاصل کیا ہوا میرے بھائی؟ الیکشن کے دن بوکسنگ، ریگنگ، ارے حد یہ ہو گئی کہ قانون کے نام پہ ٹیررزم، دہشت گردی، امیدوار کو ارسٹ کیا گیا اسی روڈ سے، جبکہ امیدوار میں تھا اور میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بڑے بڑے اعلیٰ آئی پی ایس آفیسر آئے شنڈلیا صاحب کی شکل میں آئے، کہنے لگے نہیں، میں نے پوچھا کس بات سے ارسٹ کر رہے ہو، کیا جرم ہے میرا بتاؤ؟ میرا جرم یہی ہے کہ میں مظلوم مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے 5 لاکھ کروڑ روپے کے اوقاف کی جائیداد کے لیے لڑ رہا ہوں، میرا ظلم یہ ہے کہ مظلوم کو ظالم کے پنجے سے بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو مجھے یہ سزا دی گئی کہ مجھ کو ارسٹ کر لیا گیا، 1 بجے سے 7 بجے پولیس اسٹیشن میں رکھ کے الیکشن کرتے، واہ! ارے میں بھی پرانے شہر کا شیر بچہ ہوں، 1000 بار ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، میں آخری سانس تک مرحوم امان اللہ خان کی طرح حلقے تلاب کٹے کے لیے جام شہادت پیوں گا، مظلوم مسلمانوں کے لیے لڑتا رہوں گا۔ الیکشن ہوتا میرے بھائی، میں لوگ بول رہے ہیں کہ 100 پارٹی کے کینڈیڈیٹ نکل گئے، تحریک کئی گنے نکلتی، بڑی بے چینی لوگوں میں تھی، تو بتا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ 2 مہینے سے الیکشن کمیشن سے لڑ رہا ہوں، یہاں پہ ایک مافیا چل رہا، ووٹ بوکس، ووٹ انرولمنٹ مافیا۔ آپ کہیں حلقے یا خود پورا، چار مینار، چندران گٹا، بہادر پورا، ملک پیٹ، کاروان، نام پلی، کوئی اسمبلی سیگمنٹ اٹھا لو اور اس اسمبلی سیگمنٹ کا کوئی پولنگ بوتھ اٹھاؤ اور اس پولنگ بوتھ کو حلقے میں جا کے آپ تحقیق کرو، تو ایک ایک گھر پہ 500 500 بوکس ووٹ، یہ بلدیا کے عہدیدار، یہ جی ایچ ایم سی اور یہ اسد الدین اویسی اور اکبر الدین کے لوگ مل کے بوکس ووٹ لکھاتے اور پھر بوکر ووٹ کا سارا ڈاٹا لے کر ڈپلیکیٹ آئیڈینٹی کارڈ بناتے اور ڈپلیکیٹ آئیڈینٹی کارڈ لے کر صبح صبح پولنگ بوتھ پہ، ابھی پولنگ بوتھ نہیں کھلا، غریب مظلوم میرے بہنا کہاں کہاں سے لے کے آتے دلال، کوئی شاہین نگر سے، کوئی بابا نگر سے، کہاں کہاں سے لاتے، رات کو سلاتے، صبح میں 500 روپے دیتے، صبح میں کھچڑی کھٹا کھلاتے، لائن میں ٹھہراتے، ابھی پولنگ بوتھ نہیں کھلا۔ امیدوار کی حیثیت سے میں جب فجر کی نماز پڑھ کے حلقے میں داخل ہوا دیکھا تو صبح صبح پولنگ بوتھ پہ 50 50 غریب مسلمان عورتیں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو پوچھا اتنا صبح ووٹ ڈالنے آئے؟ میرے کو بھی خوشی ہو رہی تھی کہ کیا مسلمان اتنا بیدار ہو گیا جمہوریت میں ووٹ ڈالنے کے لیے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا لیڈر، اور جب پوچھا تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم کو کالا پتھر سے لایا گیا، ہم کو شاہین نگر سے لایا گیا، اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ قانون کی بات کرتا، کھلے عام آنکھوں کے سامنے بوکسنگ ہوتی، رکنگ ہوتی، بوتھ کیپچر ہوتا، پولنگ ایجنٹوں کو مار مار کے پولیس والے نکالتے اور ہجوم کی شکل میں گنڈے گنڈے کو گنڈا گردی کرتے اور پھر اس کے بعد کینڈیڈیٹ کو ارسٹ کر کے پولیس اسٹیشن پہ رکھتے اور پولیس اسٹیشن میں رکھ کے تم الیکشن کراتے اور پھر کہتے یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے ہندوستان کی، یہ جمہوریت ہے پرانے شہر کی۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کیا ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو کل اعلان کرو، میں تو بارہا آپ اخبارات میں پڑھ رہے، ٹائمز آف انڈیا لکھا، دکن کرانیکل لکھا، سیاست لکھا، رہنما لکھا، ہینس انڈیا لکھا، ہر اخبار نے لکھ دیا کہ پرانے شہر میں بوکس ووٹ انرولمنٹ مافیا چل رہا، لیکن پولیس والوں کے کان میں اور انٹیلیجنس کے کان میں جونے ریگریز کی تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ کے محلے کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، جب محلے کے لوگ ووٹ ڈالیں گے اپنا نمائندہ چنیں گے کہ کون آپ کا ایم ایل اے بنے، وہ ووٹ دینا آپ کا اختیار ہے، ووٹ آپ کا حق ہے، شہادت ہے، مستقبل کے 5 سال کے لیے آپ ایک رشتہ قائم کرنے والے اپنے نمائندے سے،
एक नुमाइंदे से आप रिश्ता आपके एमएलए से रिश्ता बनेगा, लेकिन आपके महल्ले में आपके बूथ पे 1000 वोट है तो 1000 वोट में 400 बोकस वोट, और वो बोकस वोट दला के जो जीत के आएगा तो महल्ले वाले परेशान के कैसा जीत के आया भाई, और फिर बाजे बजा के आपकी गली में फिर रहा, फूल के हरा कर रहा, परेशान पब्लिक के कैसा जीत गया। अरे जीतने वाला भी जीत के रो रहा कैसा जीत गया इलेक्शन। फोर टीवी पे आके रो रहा बच्चा, जब चीटिंग मार के पास होता ना, रिजल्ट देखने के बाद परेशान होता कि पास होतोंगी फेल होतोंगी, अगर पास हो गया चीटिंग मार के तो रोना शुरू करता, अरे कैसा पास हो गया। वो किस्सा है इनके एमएलए का। मेरा चैलेंज है, मेरे को पूरा यकीन है मुसलमानों पे, अगर हुकूमत में दम है, इलेक्शन कमीशन में दम है, पुलिस डिपार्टमेंट में दम है, असदुद्दीन अकबरुद्दीन तुम्हारी खयादत में दम है, तो बायोमेट्रिक इलेक्शन जैसा राशन लेने गए तो अंगूठा लगाते ना। अब तो ऐसा हो गया एक राशन कार्ड पे जिसका अंगूठा उन्हें राशन लेना, अगर मियां के नाम पे राशन कार्ड है उसका अंगूठा है, बीवी जाके लगे तो राशन नहीं मिलता। अगर हिम्मत है तो बायोमेट्रिक इलेक्शन कराओ पोलिंग बूथ पे, 1 लाख वोट लेता हूँ यहाँ खुदपुर में, 1 लाख से 1 वोट भी कम लिया तो रिजल्ट देकर हैदराबाद छोड़ के चले जाता हूँ। अरे इनकी ये कमजोर खियादत जो बोको सोटों पे जीतती, वो क्या जाके आरएसएस से लड़ती, वो क्या बीजेपी से लड़ती, अरे हम क्या तुम्हारे साथ देते रहते, ये तो तुम क्या आरएसएस और बीजेपी से लड़ते। याद है रहमानुल्लाह खान कैसा बीजेपी से मुकाबला नरेंद्र के दौर में, साफ नाम निशान मिटा दिया बीजेपी का। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि मौला तू एक मौका दे तमाम मुसलमानों के दिल में डाल के, एक बार मुझको मौका दे, फिर बताता हूँ कि तेलंगाना में बीजेपी का झंडा दिखने दे देता हूँ। राजा सिंह रोज आ रहा, राजा सिंह बाजा सिंह कौन से सिंह आ रहे, रोज बड़े बड़े बात सोशल मीडिया में आ रहा, ना पुलिस कार्रवाई करती और ये ना मर्द एमएलए एमपी कुछ कार्रवाई करते। अरे जिस दिन जीत के आया अगर वो गुफ्तगू चली तो टांग पे टांग रख के असेंबली में चीर दूंगा। मैं कोई अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं हूँ, लच्छेदार बातें करके भागने वाला नहीं हूँ, पुराने शहर का हूँ ना, कोई बंजारा नहीं बना रहता हूँ, नहीं कोई ओट खा के बड़ा नहीं हुआ, जवारी की रोटी खा के बड़ा हुआ, मैं भी रोज गुल्लती नहीं खाता हूँ, बड़े भी घर खा के नहीं दुनिया से रोज खा के घर में बड़े होने वाले हमको सिखा रहे इनू शेर कते चलने सही नहीं आता शेर कते इनू। अरे पुराने शहर का बच्चा जब रोड पे निकलता है तो नए शहर में देख के बोलते शेर बच्चा है बोल के। और फिर एक राजा सिंह से पूरी जमात नहीं लड़ सक रही, हल्के में निकलते तो रौडियों के साथ सिक्योरिटी गनमैन तमाशा। अरे मैं भी 25 साल एक एमएलए देखा भाई अमानुल्लाह खान, अकेले गाड़ी चला के फिरते थे, ले लीजिए गवाही, स्कूटर पे आते थे लाल दरवाजे में रात के 2 बजे। अगर ऐसे हालात रहेंगे मेरे भाई तो अब बाबरी मस्जिद का ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। अरे बाबरी मस्जिद के लिए कौन लड़ा मेरे भाई हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी लड़ाई मुसलमानों की तरफ से बाबरी मस्जिद की लड़ी गई तो हिंदुस्तान में हैदराबाद शहर से लड़ी गई। हैदराबाद शहर से अगर किसी ने लड़ा तो मजलिस बचाओ तहरीक और उसके मरहूम खायद गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान ने लड़ा, मरहूम आदम मलिक एडवोकेट सदर की हैसियत से लड़ा, डॉक्टर खायम खान की शक्ल में लड़े, ये तहरीक के कारकुन लड़े। आज बताओ कि तहरीक के हारने के बाद हैदराबाद शहर में
जो आज वोट की भीख मांगने वाले वो उम्मीदवार कहीं एक काला झंडा लगा के बाबरी मस्जिद का कम हुआ एहतजाज मनाया तो मैं इलेक्शन में लड़ूंगा उस कैंडिडेट के खिलाफ जिसने बाबरी मस्जिद के लिए काला झंडा लगाया। मैं उससे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं क्या मल्लप्पा की खीर है मुसलमानों का एमएलए? नहीं राजशेखर रेड्डी थे तो इनके चीचा किरण कुमार रेड्डी थे तो अन्ना अन्ना चला, अब केसीआर आ गए तो मेरे को समझने नहीं आ रहा। छोटे भाई तारीफ करते हैं, बड़े भाई तारीफ करते हैं केसीआर की। वाह क्यों भाई, कौन से मसले हल हो गए मुसलमानों के बता? 12% रिजर्वेशन, मैं गुज़श्ता इलेक्शन में यही खड़े होके कई बार तकरीर किया था ना कि 12% की लड़ाई ऐसे नहीं होगी, 12% की लड़ाई के लिए आर पार का मुकाबला हुकूमत से करना होगा इस मुल्क में। मैं जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के तमीदी कहा, इस मुल्क में सबको इंसाफ मिला, इस मुल्क में जाट को मिला, हरिजन को मिला, गिरिजन को मिला, दलित को मिला, रेड्डी को मिला, राव को मिला, हर किसी को मिला। किसी को नहीं मिला तो मुझको और मेरी कौम को नहीं मिला, मेरी कौम को नहीं मिला। क्यों भाई हमने क्या बिगाड़ा इस हिंदुस्तान का? इस हिंदुस्तान को तमीज हमने दिया, तमद्दुन हमने दिया, ताजमहल हमने दिया, शेरवानी हमने दिया, चंपा हमने दिया, कुर्बानी हमने दिया, हर चीज हमने दिया और फिर हमारे साथ ना इंसाफी, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। रिजर्वेशन अब कांग्रेस पार्टी, वाह 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 वाह, इन्हू भी निकले लीडर बनने। अब 25-30 साल के बाद अफीम खाए थे अब उठे नींद में से, अब राहुल बाबा को भी चार मीनार याद आ रहा। अच्छा वाह 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 वाह, अब बोल रहे नहीं अब्बा 30 साल पहले आए थे मैं भी आ गया। अरे तुम्हारा झगड़ा असदुद्दीन का झगड़ा, उससे मजलूम का क्या लेना देना मेरे भाई, गरीब मुसलमान का क्या लेना देना? मैं पूछता हूँ कांग्रेस और असदुद्दीन के झगड़े में, असदुद्दीन कल तक टीआरएस को गालियां दिए तेलंगाना बनने से पहले, ये किरदार हो ये अखलाक है इनके के केसीआर को कहा कि ये आरएसएस का एजेंट है। इसी अकबरुद्दीन ने ऐसे ही जलसों में कहा कि ये केसीआर एक शराबी है और ये आरएसएस वाला है। लेकिन अब जी अच्छा ये भी बोले खत्ता की गुलगी है। और फिर आज कल तक कांग्रेस हुकूमत में थी तो कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात, टीआरएस की हुकूमत बन गई, फिर मफाहमत कर रही है मामले। क्या एमआईएम रियल एस्टेट कारपोरेट कंपनी है क्या आपके खानदान की? आज टीआरएस फ्रेंडली पार्टी, वो टीआरएस जिसने तलाक़े सलासा के आर्डिनेंस में ऐवाने पार्लियामेंट में वॉकआउट करके बीजेपी को गोल मारने का मौका दिया। आओ असदुद्दीन अकबरुद्दीन तुम मक्का मस्जिद में आओ, मैं आने के लिए तैयार हूं। बात इत्तेहाद इत्तेहाद गैसो इलेक्शन में नहीं भाई, मेरे मरहूम वालिद बोले, मैं बोला, आदम मलिक साहब बोले, मुस्तफा महमूद बोले, सब बोले। क्या बात है, आज ऐलान कर रहा हूं, अभी इलेक्शन तो 7 दिसंबर को है ना, अभी 2 महीने है। मैं इत्तेहाद कब आना, कहा आना, मुसलमानों की बात कर रहा है ना, जो मस्जिद का ऐलान करो मैं आने के लिए तैयार हूं। वादहु ला शरीका लहु। अरे तुम में वो सीना है क्या जो मुजाहिदीन को गले लगा सके? तुम्हारे सीने में वो ताकत है जो मुजाहिदीन को गले लगा सके? नहीं तुमको दलाल चाहिए, भड़वे चाहिए, और दलालों और भड़वों की जमा कराओगे तो बचाने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। ये जमात हमारे असलाफ की जमात है। मैं पैदा हुआ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नाम पे, मेरे मरहूम वालिद जब मजलिस के एक अदना कारकुन थे जब मैं पैदा हुआ, मैं आखिरी सांस तक मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का अदना सिपाही और कारकुन हूं। मेरे खून खून में रक्त रक्त से खून टपकेगा तो बोलेगा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का सिपाही हुए। मैं वो बुनियादी सिपाही हूं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का।
मेरी लड़ाई जमात से है, ना जमात को चाहने वालों से है, ना जमात का नजरिया रखने वालों से है, इसलिए कि मैं खुद कायदे मिल्लत पर हूं का नजरिया, सिद्दीक अदक्कन खासी नजरिया का नजरिया रखता हूं। लेकिन ये दलालों की, ये ब्रोकरों की, ये समझने नहीं आता ये जमात कैसे कब्जे में आ गई। आज बोको सोटों पे हो, अभी सामने बच्चा बोल रहा, देखो याकूब पूरे को पूरा झाड़ू देके अब चार मीनार में चले गए, ना स्कूल बचा, ना खबरस्तान बचा, ना शमशान घाट बचा, चार मीनार में उन्हू झाड़ू देके इधर आए, इधर से झाड़ू देके उन्हू उधर गए। यही बहुत बड़ी पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी है मजलिस की। वाह, उन्हू उधर पूरा झाड़ू दे देके आ गए, अब मियां याकूबपुर में तो कुछ भी नहीं बचा, फुटपाथ बचे, गरीबा बैठ के कुछ जी ले रहे, कारोबार कर रहे, अब इनके एक रिश्तेदार को उठा ले यहाँ पे, बस वो तमिल फिल्मों के विलनों की तरह काले आंख गिलासा लगाना, ये समझ रही है मेहदीपट्टनम बंजारा हिल जुबली है नहीं बटे, ये याकूबपुरा है। जब मुश्किल का टाइम आया ना तो गलियां समझ नहीं आते तुम्हारे को, आज याद भागने को, भागने को रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि याकूबपुर से तुम वाकिफ नहीं है कि कौन सी गली किधर निकलती। 60 साल से पुलिस ने पहचान सकी कौन सी गली किधर से निकलती, ये याकूबपुरा है, याद रख बेटा। ऐसे तेरे जैसे 50 बच्चों को जेब में रखता हूँ, नहीं मजलिस के नाम पे लूटे, हर हलके में औकाफ की जजात बेचे, बिल्डरों को तंग करे, करोड़ों रुपए कमा लिए, अब एयर कंडीशन गाड़ियां भी दिख रहे तालाब कट्टे में, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां हमारी गरीब बस्तियों में, अरे वाह 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 वाह। यह सब इसलिए हो रहा कि आप मजलूम मुसलमानों की आवाज बनकर तहरीक मुकाबला कर रही, अगर कल तहरीक इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो कोई यहाँ के तवज्जो दे के 10 रुपए यहाँ के किसी नौजवान को देने वाला नहीं है। इस बात का एहसास कीजिए मेरे भाई कि आज तहरीक लड़ रही है, जिद्दोजहद कर रही है, और ये तहरीक की जिद्दोजहद को आपसे को जुदा करने के लिए, तोड़ने के लिए ये साजिश यहूदियों की तरह बनाया जा रहा, यहूदियों की साजिश चला के बच्चों को गुमराह करके हजारों रुपए देके नाच गाना डीजे पे करा के इससे हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता, तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ नहीं लड़ा जा। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरों ने मुझसे बात किया, बोला कि नहीं आप लोग भी महात्मा गांधी में आ जाओ। मैं बोला क्यों भाई, हम कैसे प्यारे हो गए, अब हमारे से मोहब्बत कैसा कांग्रेस को। या तो कांग्रेस बोलती थी कि ये वो जमात है जो बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रही, ये वो जमात है जो राहुल गांधी के अब्बा राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खोले थे, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किसने किया। जब छेट्टी उंगली की तरह असदुद्दीन कांग्रेस के पंजे में थे। अरे ये लड़ाई मफादात की नहीं, ये लड़ाई मकसद की लड़ाई है, और हम मकसद के लिए लड़ रहे हैं, कोई शोहरत के लिए, इमारत के लिए, दौलत के लिए नहीं, ये मिल्लत इस्लामिया के उन मजलूमों के लिए लड़ाई है, और ये लड़ाई जारी रहेगी जो इलेक्शन के नतीजे होंगे, वो अल्लाह की मर्जी है। अरे हमको बार 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 जुल्म पुलिस के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, रोडिज्म के जरिए अरेस्ट करके हराया गया, क्या आज मैं बाकी नहीं हूं, आज मेरी आवाज बाकी नहीं है। अरे जब तक हूं लड़ता रहूंगा, कल मैं नहीं रहूंगा तो ये मासूम सुनने वाला बच्चा कल हक की आवाज उठा के कहेगा कि दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती, ये इस्लाम का फलसफा है, ये इस्लाम का फलसफा है। मेरे आका जब ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की सारी ताकत खिलाफ में थी, एक तरफ हक था तो एक तरफ ताकत थी, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि सारी ताकतें खत्म हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बाकी है, कल सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। उन कांग्रेस के लोगों से मैंने कहा कि ठीक है, भूलना और आगे बढ़ना ही जिंदगी है, तो एक काम करो, तुम दावे कर रहे हो कि कल तेलंगाना में गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है आवाम का फैसला होगा, वो कल किसकी गवर्नमेंट होगी हमको नहीं मालूम, लेकिन
मैं इस जलसे के जरिए उस कांग्रेस वालों तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मजलूम मुसलमानों की तरफ से मेरी आवाज है कि तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की मुसलमानों की औकाफ की जायदाद है। क्या ये जायदाद के वारिस आप नहीं है? ये जायदाद के वारिस ये मासूम बच्चा नहीं है? 20 साल से इख्तदार पे है मियां असदुद्दीन खिबला, अकबरुद्दीन बहुत बड़ी बड़ी बुलंद बात लच्छेदार वाता, बहुत बड़े बड़े बाता। बताओ मियां, अगर मैं एमएलए, अगर अल्लाह जिता दिया सरकार के नालक पाक के सदके में, मेरा ये ऐलान है कि इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जगह का हिसाब लूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज। अब जल्द लड़ने निकलते तो पिशानी पे लिख के निकलते कि नो कॉम्प्रोमाइज, अब लड़ना ही लड़ना है, पीछे नहीं हटते। मैंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आप ये डालो कि सेंट्रल वफ काउंसिल, आज पढ़े लिखे नौजवान ठहरे हुए, मैं इलेक्शन के लिए इलेक्शन की तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि तुम इतने लाचार हो, कमजोर नहीं है। तुम्हारे बुजुर्गों ने 5 लाख करोड़ की जायदाद छोड़ के गए तुम्हारे लिए, और ये नतीजा इस खियादत के नाम पे धोखा दिया गया। कभी राजशेखर रेड्डी से मफामत कर ली, तो कभी चंद्रबाबू नायडू से मफामत कर ली, तो आज टीआरएस के चंद्रशेखर राव से मफामत करके अपने साथी मफादात, अपनी औलाद के लिए 1000 करोड़ रुपए, अपनी औलाद के फ्यूचर को संभालने के लिए, तो फिर ये मजलूम मुसलमान का बच्चा कहाँ जाएगा? ये लड़ाई है, ये लड़ाई है मेरे भाई। मैंने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद जिसके बारे में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मेरे पास है जिसने ये मुतालबा किया था कि तेलंगाना गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। क्यों भाई, हर स्कैंडल की इंक्वायरी होती, 2G स्कैंडल की हुई, 3G स्कैंडल की हुई, हर स्कैंडल की इंक्वायरी होती, लेकिन वक्फ स्कैंडल की इंक्वायरी क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन अकबरुद्दीन से। आओ मक्का मस्जिद में जवाब दो मेरे सवाल का, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। तुम इंतशार इत्तेहाद की बात क्या करते, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह दिल भर गया मेरा इलेक्शन देख के, अवामी जिंदगी देख के, अवाम की मोहब्बत, मुसलमान भाइयों की मोहब्बत देख के। मैं कोई एमएलए बनने का मोहताज हूं ना ख्वाहिश रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आज 50 साल की उम्र में आ गया, अब मुझको कोई इख्तदार नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन बस वो मुसलमानों के लिए मरते दम तक आवाज उठाऊंगा। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। आओ आके कहो कि तुमने 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद पे क्या किया, क्या किया? अरे अब इनके नुमाइंदे, अब मैं नामा भी नहीं लेना चाहता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखे तो इलेक्शन नहीं लड़ता मैं इनसे। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखना लिखे तो वो एमएलए से हम मुकाबला नहीं करते। 10th पास, 8वीं पास, वाह वाह वाह, उर्दू में आता मुकाबला आप आरएसएस से करेंगे इन, वाह। बहरहाल ये हालात है तो आपको भी गौर करना होगा कि इन हालात में पहली बात इलेक्शन आएगा और इलेक्शन जाएगा, जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन गया, फिर इलेक्शन आएगा, फिर चले जाएगा। तो मेरा मशवरा और तजवीज ये है कि इस हलके के जिम्मेदार लोग, पढ़े लिखे नौजवान, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। जब तक आप अपने हाथ में जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्शन में, उस इलेक्शन में भी पैसे बांटे गए थे गली गली आके, 10-10, 20-20 हजार, 50 हजार, ताकत के हिसाब एतबार से। अगर कोई बड़ा ताकत वाला है तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख सौंप देंगे। मैं कुछ नहीं, मैं 5 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद मिल्लत इस्लामिया को दूंगा। मैं चंद्रशेखर राव या कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बन के आएगी तो इनकी ईट से, ईट से तेलंगाना असेंबली में पहला मेरा हक है। मुझको शादी मुबारक नहीं चाहिए,
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का तुम्हारा ये लोन की स्कीम नहीं चाहिए, रमजान में बिरयानी नहीं चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए, कुर्ता पैजामा नहीं चाहिए। अरे मैं उनकी आवाज हूँ जिसने 5 लाख करोड़ रुपए छोड़ के गए। इस मुल्क में इंसाफ है, इस मुल्क में समाजी इंसाफ है। अगर कोई हिंदुस्तान का लीडर समाजी इंसाफ में यकीन रखता, कोई केसीआर, कोई उत्तम कुमार रेड्डी अगर इंसाफ करना चाहता है तो आओ कल इंसाफ करो। सेंट्रल वफ काउंसिल की रिपोर्ट की सीबीआई तहकीक करो, हाई कोर्ट जज के जरिए तहकीक करो और मुसलमानों को उसकी जायदाद दो। जब 5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद आएगी तो कम से कम महीने को 5,000 करोड़ की आमदनी होगी। कोई किराए के घर में नहीं रहेगा, कोई बच्चा बाहर जाने से तरसेगा नहीं, कोई गरीब मजलूम मुसलमान छोटी छोटी तिजारत करने वाला आज खर्चे के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम पे धोखा दिया जाता। अरे कल औकाफ के असासों से वक्फ बैंक बनेगी, वक्फ यूनिवर्सिटी बनेगी, हर बस्ती बस्ती में हमारे असासों से हम अपने इदारे कायम करेंगे, मदरसे कायम करेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करेंगे। और जो कौम तालीम से ताकतवर हो गई तो दुनिया की कोई कौम उससे मुकाबला नहीं कर सकती, ये नजरिया देने के लिए आया। आओ, बात इत्तेहाद की है, मैं तैयार हूं भाई। अब आप कैसे समझाऊं भाई, इतने मजमे में बोल रहा हूं ना, कोई खुफिया बैठ के किसी के कान में नहीं बोल रहा हूं, मिलता हूं इत्तेहाद करता हूं। अरे भरे आम मुसलमानों के इस मजलिस में, इस दरबार में मजलूमों के ऐलान कर रहा हूं कि तुम्हारा फायदा जो होगा मैं उनसे इत्तेहाद करूंगा। ये नहीं आरडी में हाथ बन के खड़े रहना, मामले कर लेना, प्लाटा बेचना, नाजायज जमीनों पे कब्जा करना, इसके लिए तो हम मर गए तो भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। जान मांगो तो जान दूंगा, माल मांगो तो माल दूंगा, मुझसे ये कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दूंगा। मुझसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। 25 साल एमएलए की हैसियत से या के बुजुर्ग या के नौजवान जिसने अमानुल्लाह खान को देखा वो वाकिफ है, गली गली। अरे आज दौरे दौरे दौरे, अरे मियां अल्लाह इस सड़कों को जबान देगा तो बोलेंगे कि ये सड़कों का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं है जहां मरहूम अमानुल्लाह खान के खत्म नहीं है। कौन सी गली, कौन सा घर, कौन सा दर्द ऐसा था जो उस मजलूमों के लीडर अमानुल्लाह खान ने दस्तक नहीं दिया, हाजिरी नहीं दी, काम नहीं किया, किसी की चाय के रवादार नहीं, मोहब्बत से रस्ते में रुका के लोग बोलते तो चबूतरे पर बैठ के बात करते, घर से लाके पानी पिलाते पीते। लेकिन आज अजीबो गरीब तमाशा है, एमएलए क्या है भाई, एमएलए सुपर पावर हो गया, सुपर पावर एमएलए, उसके पीछे 50 गाड़ियां, धिंगाना ना जा रहा धिंगाना नहीं। अगर अल्लाह कामयाबी देगा तो अकेला तन्हा 4 व्हीलर पे 2 व्हीलर पे फिरूंगा गलियों के अंदर, इसलिए कि मौत से नहीं डरता हूं। जब आना है मौत आती, क्या 4 व्हीलर में बुलेट प्रूफ में फिरे तो नहीं आती क्या अकबर भैया? ऐसे हालात में आपको सोचना होगा कि मुस्तकबिल में आपका नुमाइंदा कौन होगा। आज का यह इजलास तय करेगा कि जैसा जब कई जलजला आता तो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जानते हैं सिस्मिक जोन किसको कहते हैं, इंटरनेट का दौर है कि जलजला जब आता जमीन में तो मच्छर की बत्ती जैसी रहती ना गोल गोल, उसका एक सेंटर रहता, उस सेंटर से निकल के फिर के पूरी जमीन में जलजला आता। हिंदुस्तान में जलजला आएगा तलाब कट्टे से आएगा, याद रखो, जालिमों के खिलाफ उठेगा, उसका एपी सेंटर, उसका पॉइंट तलाब कट्टा और या खुद पूरा रहेगा। यहां से निकलने वाला इनकलाब हिंदुस्तान की आरएसएस, हिंदुस्तान की शिवसेना, हिंदुस्तान की बजरंग दल, हिंदुस्तान की हिंदू वाहिनी, तमाम उस फासिस्ट दहशतगर्द तंजीमों को खत्म कर देगा। हमारा झगड़ा किसी हिंदू भाई से नहीं है जो सेक्युलर है, गंगी जमनी तहजीब चाहते हैं, इंसानी हकूक चाहते हैं और इंसान इंसान के भाई बीच में भाईचारे का और समाजी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उनका एहतराम करते हैं। आज मेरे भी कई दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं,
लेकिन ये दहशतगर्दी के नाम पर मारा जाएगा और कानून के नाम पे जुल्म किया जाएगा तो इसका मुकाबला जरूर किया जाएगा। इस कांग्रेस ने क्या दिया मेरे भाई, गुज़िश्ता 60 साल में 60,000 फसाद इस कांग्रेस ने दिया। कभी मैं मलियाना का फसाद देखा, मासूम बच्चे की हैसियत से मैंने कभी भागलपुर का फसाद देखा, तो कभी मीरठ का फसाद देखा, तो कभी भिवंडी का फसाद देखा, तो कभी गुजरात का फसाद देखा, तो हैदराबाद का फसाद देखा, और आज मुझसे तवक्को रखते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मैं वो मुसलमान हूं जो जालिम को कभी नहीं भूलता। अरे कांग्रेस याद रख, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन तुझसे मुफाहमत नहीं करेंगे। जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कराया और दरवाजे खोला, जिसने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को आग में झोंका, रब्बे काबा की कसम है मैं फरत खा उस कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई असदुद्दीन अकबरुद्दीन की तरह लड़ाई नहीं है क्या आज इसके गोद में बैठे कल इसके गोद में बैठे, इनकी जिंदगी तो रखासा की जिंदगी हो गई, ये सियासी रखासा बन गए। अब लड़ाई चल रही रेड्डियों के और वेलमा के बीच में चल रही। कांग्रेस रेड्डियों की पार्टी, टीआरएस दुर्रा की पार्टी, वेलमा की पार्टी, और ये रेड्डी वेलमा को गाली दे रहा, वेलमा रेड्डी को गाली दे रहा। मैं थालियां मारने को हूं क्या? अरे दोनों की बजा के रखता हूं और बताता हूं समाज दोनों की मियां हो गई। हमने भी बनाया एक फ्रंट, बहुजन लेफ्ट फ्रंट। तेलंगाना में आज 80 उम्मीदवार लड़ रहे, उसमें लेफ्ट फ्रंट के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, एससी एसटी बीसी बहुजन समाज के लोग हैं, तमाम मजलूमों का फ्रंट बना, तमाम मजलूमों का फ्रंट। और इस फ्रंट के तहत यह जिद्दोहजहद चलेगी कि यहां के समाजी इंसाफ के मिजाज को बदल लेंगे। कल अगर मैं जीत के आया तो आने वाले 5 साल में टीआरएस और कांग्रेस को खत्म कर दूंगा तेलंगाना में, और पिछड़ों की हुकूमत बनेगी जिसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल रहेगा, सबसे बड़ा। नहीं, अब ये तो तरीका बन गया, कांग्रेस थी तो शब्बीर साहब, टीआरएस है तो महमूद साहब, ना महमूद साहब काम के है ना शब्बीर साहब कुछ काम के थे, मेरा क्या हक दिला है भाई? आप हजारों करोड़ रुपए कमाए, गाड़ी को लाइट लगाए फिरते रहे? नहीं। अच्छा, इमाम जमीन का खिस्सा है महमूद साहब का। अब ऐसे हालात में मेरे भाई आपको सोचना होगा। मेरी अपील और गुजारिश इतनी है कि जो तालाब कट्टे का फैसला होगा वो कल याकूत परे में जीत का फैसला होगा, जो याकूत परे की जीत का फैसला होगा कल तेलंगाना की एफ असेंबली में एक इनकलाब खड़ा करेगा। अगर आप इनकलाब चाहते हो, हकदार का हक चाहते हो, हमारी लड़ाई इतनी है, हम किसी हिंदू धर्मशाला की जगह नहीं पूछ रहे, हम कोई मंदिर की जगह हमको दो हम नहीं पूछ रहे, हिंदू एंडोमेंट की जमीन हमारे मदरसे के लिए दियो हम ये नहीं पूछ रहे, हम यही पूछ रहे कि वक्फ जो गवर्नमेंट की गजट है उस गजट के मुताबिक जो मेरे असलाफ ने मुसलमानों के लिए छोड़ा वो मुझको दो। अगर आप चाहते हो 5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद जिससे तेलंगाना के कोने कोने में रहने वाला गरीब मुसलमान सरफराज हो, आपके एक वोट से कल अगर इस बड़ी लड़ाई में कामयाब होते हैं तो इसके हकदार आप भी होंगे, इस जीत के हकदार आप भी होंगे। ये नहीं अब डीजे बजाओ बाजे बजाओ केक काटो, अब बस चला तो क्या क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। इलेक्शन अभी ऐलान ही नहीं हुआ मियां, सुनने में आ रहा पूरे हलके में करीब करीब 1 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी, झंडे लगा रहे बैनर लगा रहे ऐसा जैसा कि इनको कोई पहचानते नहीं, पहली बार पहचानत करने निकले लोग। अरे अब एक जने बोले मियां पहचानते आपको, आपके अब्बा को पहचानते हैं, आपके दादा को पहचानते हैं, और उसे से आए थे आप लोग जब से जानते आपको, अब्बा को पहचानते दादा को भी पहचानते,
महाराष्ट्र में लाथूर के पास औसा गाँव है, वहां से आपके दादा के अब्बा आए थे, वो भी जानते हैं पूरा। अब फोटो की क्या जरूरत है? 1 करोड़ रुपए के, जहां देखो कोई गरीब मुसलमान भूखा मर रहा, दवाइयों के लिए तड़प रहा, कोई कारोबार करने के लिए नौजवान बच्चा आज इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है, कोई बाहर जाके पढ़ने के लिए परेशान है, उसको नहीं दिया जाता। पतंग लगाओ 10,000 लो, बैनर लगाओ 5,000 लो, पोस्टर लगाओ पैसे लियो। आप तो पता ये चला कि जमात के नाम पर नजरिया खत्म हो गया, अब सिर्फ दौलत की बुनियाद पे ये जमात चलेगी। अगर कल आप गौर कीजिए कि कल कोई बड़ा सरमाएदार आएगा, नापाक पैसा लेके आएगा, 200-300 करोड़ रुपए पुराने शहर में खर्चा करेगा, तो माहौल और मिजाज ऐसा तैयार किया जा रहा कि कल अगर कोई ना जाए 200-300 करोड़ रुपए लाके बांटा तो अकबरुद्दीन भी गायब हो जाता, असदुद्दीन भी गायब हो जाता। जो काम कर रहे हो उसका फल भी मिलेगा एक दिन, याद रखो। अरे तुम क्या करते, आज मेरा यकीन है अंबानी, अदानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरे मिलके भी लड़ो तो याकूब पूरे से जीत रहो पक्का। अब जब भाई लड़ते हो याकूब पूरे से तो दोनों भाई है ही बढ़ जाते हैं, कोई जीत गए लेकिन फरद खान नहीं जीतता। भाई भाई इतनी परेशानी मेरे से, ठीक है ऐलान करो आके चंद्रान गुट्टे से लड़ता हूँ, चंद्रान गुट्टा मेरा घर है, जैसा तनाव कुट्टा मेरा घर है, दोनों भाई हैं, इनसे लड़ते हो उनसे लड़ते हैं, अभी वक्त है 18 तारीख तक इंतजार करो। तुम बोलो चंद्रान गुट्टे से, अरे डट के मुकाबला चंद्रान गुट्टे में करके चंद्रान गुट्टे से भी इनकलाब ला के तहरीक को जिताऊंगा। ये समझ रहे कि डॉक्टर खायम खान खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, आदम अली खत्म हो गए, अरे इस तहरीक का हर कारकुन अमानुल्लाह खान की तरह लड़ेगा। अभी चंद्रान गुट्टा आज पहला ये आगाज मोहब्बत है तालाब कट्टे से, इंतहा तो चंद्रान गुट्टे में दिखाऊंगा। चंद्रान गुट्टे का एक एक कोट, अरे खाली ऐसा उतर के गाड़ी में चलूंगा बाबा नगर में, ऐसा उतर के भारकस में खटके मार के आ गया तो तुम्हारे 10 करोड़ रुपए के इलेक्शन की कैंपेन खत्म कर दूंगा। जितना बांटना है जल्दी जल्दी बांटो। बहरहाल जिसको जिसको पैसे मिल रहे ना उन लोगों मेरे को थैंक यू बोलना, काम पे तो लगाया ना, काम पे लगाना भी काम है, पूरा मुंह लगाए काम पे। हमारे गरीब मुसलमानों की ताकत देखे ना, आज करोड़पतियां तालाब कट्टे में गरीबों के लिए हाजिर है, ये है मजलूमों की ताकत, ये है तहरीक की ताकत, ये है शुजात और हिम्मत की बात। जहां जालिम मजलूमों के खदमों में सर रखता है उसी का नाम तो इंकलाब है, उसी का नाम तो तब्दीली है। आज गली 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 आज बंडी ढकलने वाले मुसलमान के घर पे मर्सिडीज में आगे खड़े हुए हैं, यह है तहरीक का इंकलाब। इस इंकलाब को परवान चढ़ाओ। कल इंशाल्लाह ये ना कहना मैं इलेक्शन कमीशन की लड़ाई जम के लड़ रहा हूं, बल्दिया से जम के लड़ रहा हूं, बोकस वो कैसा लगाते देखता हूं ये टाइम पे, और जो बोकसिंग होती पुलिस वाले कैसा चलाते हैं, ये इलेक्शन भाई भी बहुत अच्छा मास्टर प्लान बना के लड़ रहा हूं, पूरा मास्टर प्लान। अगर कहीं बोकसिंग होगी तो उसका जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट होगा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट मामला करके अगर बोकसिंग का साथ देगा तो फिर उसके बाद बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। यह कानून है ना, यह कानून है, यह कानून है, तो कानून ये कह रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होना। जमहूरियत का पहला दस्तूर है एक शहरी एक वोट डालना, एक शहरी एक वोट डालना। खाली थ्योरी में है, टीवी चैनल पे ऐलानात है, बड़े बड़े वोट लगा जा रहा है डेमोक्रेसी जमहूरियत, लेकिन जब मैदान में उतर के देखे तो पुराने शहर में ऐसा दिखता कि पुराना शहर नहीं बल्कि ये लल्लू खेत बिहार बन गया, बिहार से बदतर हो गया पुराना शहर। सुबह 7 बजे से फोकसिंग शुरू होती, 10 बजे गड़बड़, जब गड़बड़ होती तो शरीफ शहरी क्या करते,
अपने घर के सराहने को रोक लेते हैं, अरे कहाँ जाते हैं वोट डालने भाई, गड़बड़ हो रही। और जैसे गड़बड़ होती इनका माफिया निकलता पोलिंग बूथों पे कब्जे। अब ये हद हो गई पुराने शहर में कि वोट डालने गए, वोट डालने गए तो ईवीएम मशीन कर एक दादा ठहरे हुए है, पहलवान ठहरे हुए है, किसको वोट डाल रहे वो भी देख रहे। यानी आपका राइट खत्म कर दिया जा रहा, आपका वोट का ताकत को खत्म कर दिया जा रहा। पोलिंग बूथों पे पुलिस वालों को, इसी पोलिंग बूथ पे भाई, सामने पोलिंग बूथ था, इसी पोलिंग बूथ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर को एमआईएम के मुमताज खान ने मारा, आंख से खून निकल रहा। सरकारी इंस्पेक्टर जा रहा, मैं रोक के बोला अरे साहब यहाँ जुल्म हो रहा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर बोल रहा और बोल रहा अरे क्या है इलेक्शन है क्या है, सरकार बोल रहा 5 बजे आके कंप्लेंट देना। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन की जीत के इतने फूल असदुद्दीन बायोमेट्रिक लड़ते इलेक्शन, बायोमेट्रिक है हिम्मत। अरे शेर का बच्चा हूं, ऐलान कर रहा हूं बायोमेट्रिक इंशाल्लाह हाई कोर्ट में मैं ऑर्डर लेकर आके फिंगर प्रिंटर पे इलेक्शन कराऊंगा। बैठ जाओ यार तुम, वीडियोग्राफी होना। आप चाहते हैं कि आपके वोटर की ताकत बढ़ना, आपके वोट की ताकत बढ़ना है तो बोकसी को रोकना है। सबसे पहले काम कीजिए कि अपने अपने डोर नंबर पे, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, अगर आप अपने वोट की ताकत को बढ़ाना है तो पहले अपने डोर नंबर पे देखो कि कितने बोकस वोट है। मैं चंद्रांग गुट्टे के अंदर निकाला अभी तक 25 से 27 हजार बोकस वोट, याकूतपुरे में अभी तक 35 हजार बोकस वोट निकाल के इलेक्शन कमीशन को दिया कि ये वोटरों के घर पे जाके हम बात कर रहे और घरों से निकल के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये लोग कोई कभी रहते नहीं थे, तो फिर ये वोट बोकस वोट वोटर लिस्ट में आए कहां से, ये दावा कौन। लेकिन आज जीएचएमसी सुनने के लिए तैयार नहीं, आज इलेक्शन कमीशन सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं आज अदालत हाई कोर्ट में इंशाल्लाह कल सुबह या परसों एक रिट पिटीशन डाल रहा हूं इलेक्शन कमीशन और ये बल्दिया की धांधलियां, ये माफिया, ये ऑर्गेनाइज वोटर एनरोलमेंट माफिया के खिलाफ इंशाल्लाह आप भी अपने अपने घरों पर अपने डोर नंबर पे चेक करो कितने बोकस वोट है। बोकस वोट को डिलीट कराओ तो आपके वोट की ताकत बढ़ेगी, अगर आप बोकस वोट को डिलीट नहीं कराओगे तो आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रहती। आज इंशाल्लाह तहरीक के उम्मीदवार का ऐलान 1 तारीख तक हो जाएगा। अब फिरने वाले फिरने दो, कितना फिर दे, मेरे को यकीन है कि जो तहरीक को वोट देने वाला है वो पोलिंग बूथ पे जरूर जरूर हक की तायद करेगा और जरूर वोट देगा तहरीक को और तहरीक कामयाब होगी। आज SC ST BC तबके आज तमाम हमारे साथ है, ये तवक्को कर रहे हैं कि तहरीक कल जीत जाएगी तो SC ST BC को इंसाफ मिलेगा। आज SC ST BC के 20 हजार वोट तहरीक के साथ है। अब हल्का याकूतपुरे से तहरीक को चंद्रान गुट्टे से मलकपेट से कोई नहीं हरा सकता। आने वाले असेंबली में 1 नहीं 4 MLलेके ऐवान असेंबली में दाखिल होऊंगा और सबसे पहले मजलूम मुसलमानों के हक दिलाने के लड़ूंगा। तहरीक का साथ दीजिए और इनके नापाक पैसों से एहतियात कीजिए। नौजवान बच्चों से मेरी अपील है कि जो आपको 10-20 हजार रुपए लेके काम लेना चाह रहे हैं ऐसे लोगों के मुंह पे थूक के चलाइए। क्या मुसलमान ईमान बेचने वाला नहीं, मुसलमान हक का साथ देगा। इनके मुंह पे थूक के चलाइए, इनके मुंह पे थूक के चलाइए कि मुसलमान 10-20 हजार रुपए नहीं बिकता। जो पैसे ला के देने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों से मेरी अपील है कि इनके मुंह पे थूक के चलाइए कि मुसलमान 10-5 हजार में, 10-5 हजार में मुसलमान ईमान नहीं बेचता। ईमान हक के लिए लड़ेगा मुसलमान और आप हक के लिए वोट दीजिए इंशाल्लाह। ताकतों से मुकाबला करके मैं अमान उल्लाह खान की तरह काम करूंगा, गरीब मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करूंगा इंशाल्लाह। एक नहीं कांग्रेस का पाजा TRS सबके खिलाफ मुकाबला होगा और तहरीक कंटामेंट पार्क के सब खाते मौला इस मजलूम कौम की खदमत करने का मौका दे।